हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। कल जो है मौसम काफ़ी ख़राब था, इस वजह से जो हमने वीडियो नहीं अपलोड की, तो आज भी जो है तकरीबन 4 बजे का टाइम है। अभी आप देख सकते हैं कि कितना अंधेरा उस वक्त भी हो रहा है। तो हमने अपने कबूतरों को छोड़ दिया, लेकिन अभी आपको हम पहले मौसम की सूरत हाल बताते हैं कि मौसम की सूरत हाल कैसी है। बादल वगैरह जो है इस साइड पे काफ़ी कम है, ना होने के बराबर है, और उस साइड पे आप देख सकते हैं कि अभी बादल वगैरह जो है वो थोड़े बहुत हैं। बारिश वारिश होने का आज इम्कान नहीं है। तो इसलिए हमने जो आज अपने कबूतरों को भी छोड़ दिया है। सुबह से एक कबूतर हमारा गायब है, वाइट फेरोज़ी। सुबह 2 कबूतर आए थे, लेकिन वो हमारे जाल से निकलने में कामयाब हो गए। जुम्मे का दिन है, तो जुम्मे की नमाज़ से पहले काफ़ी गर्मी पड़ती है। छत पे आना नहीं होता, नहीं तो मैं वीडियो उनकी भी बना लेता, लेकिन छत पे आना नहीं होता, इतनी गर्मी होती है। आज मैंने कहा कि ऐसे कोई चिल वाले वीडियो बना ली जाए। मादी के जो है वो अंदर भाग चुका है। इसने भी एक अंडा दिया था, लेकिन हमने वो अंडा कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया ताकि अंडा ख़राब ना हो। ये इसका एक बच्चा भी आप देख सकते हैं। सुबह से इसका नर गायब है। तो अगर आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं तो वीडियो को लाइक किया करें, और अगर हमारे चैनल पे अब नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहें हमारी तरफ से। तो आज की वीडियो में इतना कुछ ख़ास नहीं है, पर इसे शॉर्ट वीडियो बना लेंगे हम। वीडियो को इतना लंबा नहीं खींचेंगे। कबूतर हमने आधा घंटा ही हुआ है कि हमने कबूतरों को छोड़ा। अभी हम अपने कबूतरों को जो है वो सरसों का दाना वाना फेंकेंगे, ताकि कबूतर वगैरह जो है वो नीचे आ सके। कबूतरों का हमने कितना छोड़ते नहीं हैं आजकल, क्योंकि आजकल आपको पता है कि चोरियाँ भी ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए हम जो है कबूतरों को टाइम से ही छोड़ते हैं। टाइम से छोड़ते हैं और टाइम से ही बंद करते हैं, टाइम टू टाइम। नहीं तो पहले सुबह से कबूतर खुले हुए होते थे और शाम को हम बंद करते थे अपने कबूतरों को। अब ऐसा नहीं होता। क्या आप लोगों को पता है कि इसमें महंगे महंगे कबूतर भी हैं। वो आप देख सकते हैं कि ऊपर एक कबूतर अभी आ चुका है। दूर से इतनी साफ नज़र नहीं आ सकती। अब मैंने अपने कबूतरों को छोड़ा है, शायद ये कबूतर नीचे आ जाए। पर वगैरह भी इसके आप देख सकते हैं कि काफ़ी वो कटे हुए हैं। कोशिश करते हैं कि भी कबूतर नीचे आ जाए। देख सकते हैं कि वो ऊपर बैठा हुआ है। आप हम जूम करके दिखा देते हैं। देख तो रहा है नीचे, अल्लाह करे उतर ही जाए नीचे। कोशिश करेंगे इसको नीचे उतारने की। सुबह से तकरीबन 4th कबूतर आ चुका है हमारे पास, और ये भी अभी तुक्के से ही आ गया है।
अगर ये कबूतर हमारे हाथ लग गया तो क्या इसकी वीडियो बना के अपलोड करेंगे। अभी हम जो है सरसों का दाना नीचे फेंक रहे हैं कि क्या क्या पता है कबूतर नीचे उतर जाए, पर हवा भी काफ़ी चल रही है। कोशिश करेंगे कि कबूतर ये मगरिब से पहले पहले उतर जाए। ये कबूतर भूखा लग रहा है। हम लोग अपने छत पे जो है वो पहुंच चुके हैं टॉप फ्लोर पे। अभी इस कबूतर का इंतज़ार करते हैं, क्या पता है कबूतर उतर गया तो हमारी खुश नसीबी होगी। यह आप देख सकते हैं इसकी गर्दन के ऊपर से थोड़े बाल उतरे हुए हैं। मज़ीद जूम करूँगा तो ख़राब हो जाएगी तस्वीर। ये पट्ठा लग रहा है शक्ल से तो, आगे की तरफ बढ़ता हुआ। लेकिन ये साथ वाले पड़ोस के घर पे जाने का इसका मूड हो चुका है मेरे ख्याल से। तो अभी जो है वो वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्यार दिया करें, वीडियो को लाइक किया करें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कबूतर जो है वो उड़ चुका है अभी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।